प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी मैथ की क्लास में। मैं सुनील भाटी आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की नई क्लास, जहाँ हम पढ़ रहे हैं मैथ डिटेल में। तो हम पहुँच चुके हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पर। डेसिमल फ्रैक्शन की कुछ बेसिक बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में पिछली बार क्लास में बताई थी, तो उससे आगे की चीज़ें अब हम जानेंगे इस क्लास में। आप तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेंसिल लेकर, और साथ के साथ दबाकर शेयर कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? कोई दशमलव, जो दशमलव के बाद जब संख्या बार बार आती है, एक सी संख्या बार बार आती है, तो वो क्या कहलाता है? रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो जो चीज पुनरावर्ती हो, जो बार बार आए, वो ही रिकरिंग कहलाता है। तो यहां पर जैसे हम देख रहे हैं 1/3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.3333 बार बार आ रहा है, इसी को रिकरिंग कहेंगे। जो चीज़ बार बार आ रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। जैसे यहाँ ये हमने लगा दिया बार, तो इसके ऊपर लगा दिया है बार। जैसे 22/7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कहाँ से 3.142857, तो कहाँ से बदल गई संख्याएं? ये संख्याएं वापस रिपीट हो गई। तो इन्हीं सभी संख्याओं के ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये चीज समझ में आ गई। इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अपनी अगली। तो समझ लेते हैं, इसी में जो रिकरिंग डेसिमल होता है, जैसे मैंने लिखा 3.58, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.58 पर बार। इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग नंबर, है ना? यानी डेसिमल के बाद जो सब कुछ है वो सब रिकरिंग है, यानी सब चीज रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 4.37272, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4.3 और फिर 72 पर बार। तो यहाँ पर कुछ पर बार है और कुछ पर बार नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंपल रिकरिंग कह देते हैं और इसको प्योर रिकरिंग कह देते हैं, है ना? यानी शुद्ध पूर्णावृत्ति और ये मिक्स्ड पूर्णावृत्ति, यानी इसमें मिक्स है, कुछ नंबर पूर्णावृत्ति हो रहे हैं और शुरू में कुछ नंबर पूर्णावृत्ति नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है और 7-2 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से कर लें। ये हो गया हमारा क्या? प्योर रिकरिंग, और ये कैसा हो गया? मिक्स रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग और ये प्योर। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लेंगे, समझ में आ गई होंगी। दोनों को सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही समझे और आगे बढ़ते हैं। कुछ वही चीज शुद्ध आवृत्ति, जिसमें जो भी अक्षर है वो सभी पूर्णावृत्ति हो रही है, तो वो शुद्ध आवृत्ति कहलाएगी, प्योर रिकरिंग कहलाएगी। और बाकी कैसी रिकरिंग कहलाएगी? प्योर। प्योर कौन सी नहीं होगी? जिसमें दोनों हो, यानी जो रिपीट हो रहे हैं वो भी और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो भी। अब आगे समझते हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं उसके लिए हम डेसिमल कैसे बनाते हैं। कन्वर्टिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो जैसे हमने लिखा 0.555, है ना, इस तरह से, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 पर बार। तो यहाँ बच्चों ये बार लगे हुए हैं, है ना, ये बार है, प्योर रिकरिंग है। प्योर रिकरिंग का मतलब है सभी पर बार है, है ना? तो इसको हम किस तरह से करेंगे? जब बार होता है तो 1 और 0 नहीं लगाते हैं, जितने अंक होते हैं उतने 9 लगाते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक है? 1 अंक है। एक ही अंक तो बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1 9 लगाएंगे बट्टे में और इसको हटा देंगे, बार को और पॉइंट को, तो क्या आ गया? 5/9। जैसे दूसरा देखते हैं 0.53 रिपीट हो रहा है, तो 53 पर बार लगा दिया, तो क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि बार लगा है। ठीक है, हम बार और पॉइंट दोनों को हटाएंगे, 2 अंक पर बार लगा है तो 2 बार ही 9 रख देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 53/99। एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको डिटेल में समझ में आएंगी चीजें।
0.067 पर बार। अब इसका क्या मतलब हुआ, कंप्लीट पर बार है ना, तो 0.067 067 और 067 इस तरह से हुआ। ये भी क्या है, चलता रहेगा आगे तक, तो ये रिकरिंग नंबर बन गया। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, बार हम लगा देंगे, बटे खींचेंगे और तीन अंकों पर बार है तो बार और पॉइंट को हटाएंगे और तीन बार ही नौ रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 67/999, ये ही आंसर होगा इसका, है ना। तो ये चीज क्लियर है आपको, रिकरिंग डेसिमल किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो प्योर रिकरिंग होंगे यानी जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले सभी अंक क्या होंगे, पुनरावृत्ति होंगे, तो उतने ही नौ हम उसमें रख देंगे। अब मिक्स रिकरिंग क्या होता है, तो बच्चों मिक्स रिकरिंग जो मैंने अभी बताया, मिक्स रिकरिंग वो है जिसमें कुछ रिकरिंग हो रहा है और कुछ रिकरिंग नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर ये एक संख्या मैंने लिखी है, ये वाली है ना, यहां पर है 0.173333, तो यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, 33 रिपीट हो रहा है, 17 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.17 और 3 पर बार, ठीक है। ये हो गया इसको लिखने का तरीका। अब इसको फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे, अगर इसको भी हमको फ्रैक्शन बदलना हो तो इसके लिए समझते हैं, आपको याद रख लेना है, ध्यान से सुननी है चीजें। जैसे हमारे पास है 0.173 पर बार, तो पहले जितने अंकों पर बार है उतने नौ रखते हैं। अब बताओ यहां कितने पर बार है, एक पर, तो एक रखेंगे नौ, जितने पर बार है उतने नौ, और जिन पर बार नहीं है उनके लिए जीरो, दो अंक है तो दो बार ले लो। यहां तक सभी को क्लियर है, जितने अंक पर बार है उतने नौ और जितने अंक पर बार नहीं है उतने जीरो। अब बार और पॉइंट को हटा देंगे और जिस पर बार नहीं था, किस पर बार नहीं था, 17 पर, उसको माइनस भी करेंगे, तो हम इसमें से 17 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 17 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 156, ठीक है, अपॉन 900। अब ये कुछ कट रहे हैं तो इन चीजों को हम काट लेंगे, जहां तक कटती हैं वहां तक हम इनको काट लेते हैं। जैसे कि ये 15 से कट जाएगा, वो 4 से कट जाएगा, 4 किया 12 और 4 ने 36, है ना, और 4 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार कटेगा बच्चों, देखो जो अंतिम दो जीरो होती हैं वो 100 का काम करती हैं, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। अब 3 से कट जाएगा क्या, ये यहाँ गुणा मान ली जाएगी, तो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 13 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/25/75, यही आंसर होगा, ठीक है। अब यहां आपको समझना यह है कि मैंने अभी क्या काटा था, जब मेरा आ गया था 156/900, तो जब भी लास्ट में जीरो हुआ करे, उस जीरो को आप कैसे ट्रीट करोगे, किस तरह से मानोगे, कि इसको मैं मानूंगा 9×100, तो मैंने इस तरह से काटा था ये। अब ये 4 से काटा तो 4 × 12 और 4×36 और 4 से काटा तो 25 और फिर ये 3 से काटा था आगे, है ना, तो 3 से कट गए 13 बार और 3 से कट गए 3 बार, तब आया था हमारा 13/75। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, 100 हुआ करे 10 हुआ करे उसको हम सेपरेट काट सकते हैं, सेपरेट इस तरह से हम जीरो को ही काटते हैं। तो मिक्स पुनरावृत्ति कैसे करनी है ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी अच्छे से। और भी ज्यादा के लिए आप एक दो प्रैक्टिस और कर लीजिए, जैसे यहां पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.275775, है ना, तो क्या हो गया हमारा 0.27 पर बार, 275 पर बार। अब कुछ पर बार है कुछ पर बार नहीं है, कितनों पर बार है, दो अंकों पर बार है तो 2×9, और कितने पर बार नहीं है, एक पर नहीं, तो 1×0। बार और पॉइंट काट लेंगे और इससे जिस पर बार नहीं है वो घटाएंगे यानी 2 माइनस करेंगे, तो कितना आ गया बच्चों ये 273/990। अब यदि कट रही है वैल्यू तो उसको हम तुरंत ही काट लेंगे, जैसे यहां ये कट रही है तो किससे कट रही है, 3 से कट रही है ना, 3 से संख्या कट रही है, 3×9=27, 3×1=3, और ये भी कट गए 3 से, 3×3=0,
अब और किससे कटेगा? तो 17 और 7 से कटेंगे, वो चीजें नीचे नहीं कटेगा, तो बस इतना ही रहेगा 91/330, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये चीज क्लियर है आपको? ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरह से कर लोगे। एक और चीज यहां हम समझते हैं, कई बार हमारा ऐसा आता है 2.03 और मैंने लिखा 5.7, ये लिखा और 5.7 पर बार है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हमारे आए तो जो पॉइंट से पहले है उसको पहले सेपरेट लिख दो, बिल्कुल अलग, ठीक है। 2+0.357 पर बार, अब कितने अंकों पर बार है, सॉरी 0.0, एक और जीरो था ना यहाँ पर था पॉइंट, यानी हमारा क्या आया 2+0.0357 पर बार। अब दो अंकों पर बार है ना, तो 2 बार 9, और 2 पर बार नहीं है तो 2 बार 0, और किस पर बार नहीं है, 0-3 पर, तो 0-3 यानी कि 3 ही घटा देंगे हम और ये कट जाएंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 तो है ही हमारा आगे, 2+ ये कितना हुआ 354/9900। अब ये अगर किसी से कट रहा है तो हम इसको तुरंत ही काट लेंगे, जैसे किससे कट रही है ये वैल्यू, 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24 है ना, और ये किससे कट रहा है 3300, और किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, ये 2 से कितनी बार कट रहा है 5 9 59 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, इसे भी काट लेंगे, तो 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 6 12 है, ये 5 और ये 0, तो हमारा आंसर क्या आया 2+59/1650। अब इसको क्या करेंगे, इसी को हम मिक्स करके लिख देंगे, 2+59/1650, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह तो प्योर रिकरिंग नंबर और किस तरह मिक्स रिकरिंग नंबर को सॉल्व करना है। ध्यान रखना है यदि कोई संख्या पूरी आती है यानी पॉइंट से पहले आती है तो उसको सेपरेट कर दोगे तब सॉल्व करोगे। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। लाइव क्लासें हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, साथ के साथ लाइव क्लासें लेके आ रहे हैं, उसमें भी आप इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। आगे तो आगे ये चीज़ मैंने आपको भी बताई है कि किस तरह से इनको दशमलव में हम बदलते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा 0.16666, तो इसको क्या लिखेंगे 0.16 पर बार है ना। अब क्या करेंगे, एक पर बार है और एक पर बार नहीं है, उसके लिए 0, ये दोनों हट गए और इससे एक ही घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 15/90। तो ये कट के कितना आ जाएगा 15 कम 15, 15 6 90 है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6, यही हो गया है ना। ये यहाँ पर क्या लगा है, बार लगा है, ध्यान रखना है, ये हमारा 90 है। तो ये चीज क्लियर है, आप इसको आसानी से कर लोगे। तो अब और आगे बढ़ते हैं, 22 ये ही इसी तरह से करने हैं, आगे देखते हैं। तो आगे अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चनों के साथ, कुछ और लॉजिक्स के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।